हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हा गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हा गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हा राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हा गोविंद गोविंद गोपाल जय जय, गोविंद गोविंद गोपाल जय जय, हा गोविंद गोविंद गोपाल जय जय, गोविंद गोविंद गोपाल जय जय, हा राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि बोल हरि बोल, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदाले, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी देवै प्रिया ऐ केशवस्य च, कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कुमार हरे राम राम
राम राम बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म लिटली लॉ ब्रह्मिष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला ब्रह्मिष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण करेंगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का उपदेशामृत है, इसलिए उनका नाम ही उपदेशामृत। मतलब ये उपदेश को कोई अगर ग्रहण करे तो लेकिन जीवन में क्या मिलेगा, बोले जीवन में अमृत मिलेगा, जीवन में उसको अमृत प्राप्त होगा। लेकिन सुनने में कान के लिए कड़वा लगेगा, जैसे नीम मुँह के लिए तो कड़वी लगती है लेकिन पेट में जाए तो बढ़िया काम करता है। उसी तरह ये उपदेश सुनने के लिए बद्ध जीवों के लिए लगेगा जैसे बावारी, ये तो वज्र जैसे हैं सारे, जैसे हमारे अनर्थ को जैसे काट रहा है। लेकिन अगर इसको अगर कान रूपी धोने में अगर कोई पान करेगा तो अंदर में जाएगा तो ये कैसे लगेगा, जैसे ये अमृत जैसे लगेगा। इसलिए किसने प्रश्न किया है, भगवान ये जगत में इतने दुख क्यों भर दिया है। देखो ये करोड़ रुपया के प्रश्न है, संसार में इतने दुख क्यों है। सारा दुनिया कहीं जाओ ना, हम दूसरे के लिए भलाई करते हैं लेकिन हमारे लिए जीवन में ये दुख दुख क्यों आता है, कितना बढ़िया प्रश्न है। देखो प्रभुपाद इसका उत्तर क्या देते हैं, भगवान बोले ये तो दुख कष्ट ये तो आपद विपद साजिए रखे ची तुम्हारेर दुख दीवार जन्न नय। कदि दुनिया को भगवान कैसे सजा कर रखा है, कैसे सजा कर रखा, बोले जितने तरह का आपद विपद है जीवन में, कोई एक विपत्ति आ जाए सोचते हैं किसी तरह से ये विपत्ति दुख हो दूर हो जाए सुख तो आएगा, लेकिन देखना समुद्र में जो डेगू आता है ना, एक बात में एक, एक बात में एक, एक बात में एक, वो डेगू खत्म ही नहीं होता है। संसार में एक दुख बाद में एक, देख दुख बाद में एक, बोझा को सर पर रख दिया, जब वजन हो गया फिर कंधे पर उतार दिया, फिर जब ज्यादा दर्द हुआ फिर सर पर उठा लिया, फिर ज्यादा दुख दूर हुआ तो फिर हाथ में रख दिया। संसार में यही होता है ना, एक दुख बाद में एक, दुख कभी खत्म नहीं हो रहा है। कहते ये तो आपद विपद साजिए रखे ची, किसके लिए इसको अच्छे तरह सजा करके रखा है, कारण क्या ये दुख विपत्ति को। कहते इसका मतलब नहीं दुख देने के लिए ही ये दुख रखा है, फिर पर ये दुख किस लिए रखा, बोले परंतु दुख उठा अप्रयोजनीय यहाँ शिक्षा दीवार जन्ने। किसके लिए दुख रखा है, हम चाहते कोई दुख संसार में बताओ, कौन चाहता है दुख आए, कोई भी नहीं चाहते संसार में दुख हमें आए, सब चाहते जीवन में शांति और सुख हमें मिले, सबके सब यही चाहते, कोई निमंत्रण नहीं देता लेकिन बगैर निमंत्रण के ये दुख घर में आ ही जाता है। कहते क्या ये दुख देने के लिए दुख कर रखा, बोले नहीं, जो सुख देने के लिए ही दुख कर रखा है, सुख को देने के लिए ये चीज को समझाना चाहते हैं, बल्कि ये जो दुख है ये हमारी प्रयोजनीयता नहीं। प्रयोजनीय क्या है, सुख ही जीवन का प्रयोजन है, इसको शिक्षा देने के लिए नित्य प्रार्थनीय सुख नित्य वरणीय आनंद अनुसंधान रे जन्ने। किसके लिए दुख दे कर रखा, बोले कारण है जीव ये चाहे वास्तव रूप में सुख कहाँ मिलेगा, दुख आएगा तभी तो सुख के लिए संधान करेगा ना, अगर दुख नहीं आएगा तो सुख के लिए ढूंढेगा नहीं है। इसलिए कहते ना दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में जो सुमिरन करे दुख कहीं को आई। इसलिए कहते सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलिहारी वह दुख को जो पल पल नाम जपाई।
इसलिए क्या करते हैं लोग, सुख थोड़ी सी आ जाए ना, इसलिए मैया कुंती क्या कहती है, बोले प्रभु चार ही तरह का व्यक्ति तेरा भजन ही नहीं करेगा है, उच्च कुल में जन्म होने पर, ज्यादा पैसा हो जाने पर, सुंदरता और ज्यादा ज्ञान आने पर तेरा भजन ये नहीं करेंगे। इसलिए संसार में भगवान ये दुख दुख को सजा करके रख लिया। जीव तो सुख के लिए ढूंढेगा, लेकिन सुख ढूंढते 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 सुख मिलेगा लास्ट में कहां पर, कहते अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण दोय ताहाते खना विश्राम लभिया छाड़ी नो भेर भय। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जो अशोक अभय और अमृत केवल भगवान के चरण में और कहीं नहीं। इसलिए दुख को सजा कर करके सुख ढूंढते ढूंढते लास्ट में कहाँ पहुंचेगा, ठाकुर के पास में, ठाकुर के पास में। संसार में सुख हो, ज्यादा सुख होता ना, हम कोई भी यहाँ नहीं आते, घर में बैठ कर टीवी देखते होंगे, नाती पोतीनी को बीच में बैठ करके आराम से बैठे हुए होंगे हैं, आराम से बैठे होते, संसार यहाँ आते ही नहीं हैं। इसलिए अभी हम बंगाल में गए थे, एक माता जी मेरी गुरु बहन लगती है, कहती है और संसार संसार और अच्छा नहीं लग रहा, और संसार अच्छा है, बोले तुम्हारा बेटा का शादी हो गया, बहू आ गई, बोले इसलिए तो बोल रहा हूँ संसार अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा अब तब तक मेरा अच्छा, जब तक उसकी शादी नहीं हो गया, शादी हो गया तो मेरी बात नहीं सुनता है, वो एक तरफ चले तो बेटा एक तरफ में, वो एक तरफ तो दूसरे एक तरफ में है, और संसार अच्छा नहीं लगता है। कहते महाराज जी वृंदावन में कोई स्थान होगा जाकर के हम रहकर भजन कर सके हैं, जाकर भजन कर सके, और जितने एक बार विषय भोग हो गए और जो संसार का डंडा पड़ने लगेगा ना, कहते संसार और अच्छा नहीं लगता है, अभी तो जाकर के वृंदावन में जाकर कहीं बैठ कर भजन करे हैं, जाकर भजन करे। इसलिए वो ऊपर में देखने के लिए बड़ी अच्छी लगती है, पहले बड़ी अच्छी लगती है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सुख, ये चीज को समझाना चाहते हैं हम, जीवन में सुख जरूरत नहीं, जीवन में दुख जरूरत नहीं, जीवन में सुख ही जरूरत है, लेकिन दुख आता तभी सुख ढूंढते हैं। इसलिए बोले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, सुख तो ढूंढता है लेकिन कहाँ ढूंढता है, बोले जहां पर दुख वहीं पर सुख ढूंढ रहा है, ये माया के संसार में सुख ढूंढता है। हम कभी कभी सोचते ना, अरे हमारे पिता माता को दुख मिला, हमें थोड़ी दुख मिलेगा, हम तो खूब पैसा कमाएंगे, नौकरी चाकरी करेंगे, शादी करेंगे ना, आनंद से रहेंगे। अरे पिता को दुख मिला, माता को दुख मिला, बहन को दुख मिला, उनको दुख मिला, लेकिन हम तो सोने का संसार बनाएंगे हैं, पूरा सोने की संसार बनाएंगे। तब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे चावल बनाते हैं ना, जब चावल बनाते हैं, जब एक चावल का किनका को हम दबा देते हैं, उससे पता चल जाता है ये चावल हो गया है ना, जब एक चावल देखा हो गया, क्या सब पता चलता है, सारे चावल पक गया है, फिर हम उसको उतार देते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भगवान जब हमारे पिताजी को दुख मिला, माताजी को दुख मिला, परिवार को दुख मिला, बोले तुमको कहाँ से सुख मिलेगा, तुम सोच रहे हो सोने का संसार बनाओगे हैं, सोने के संसार को पिता माता को पूछ लो जीवन में कोई सुख मिला है, बोले जिंदगी भर दुख 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 में ही जिंदगी गया है, सुख में कभी हाथ में आया नहीं जीवन में, इसलिए तुम कहाँ से सोने का संसार कहाँ से बना लोगे है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद उसको उत्तर देते हैं, इसलिए दुख है जीव सुख ढूंढेगा, और सुख ढूंढे ढूंढे ढूंढते तुम्हें कहाँ मिलेगा, ठाकुर जी की चरण में जाकर ही उसको सुख वास्तव रूप में आनंद उसको प्राप्ति होगी। इसलिए दूसरा प्रश्न है, किसने प्रश्न किया, बोले ग्राम्य कथा बोला, ग्राम्य कथा सुना कि भक्ति हानिकर और अमंगलजनक। कहते जो ग्राम्य कथा, ग्राम्य कथा मतलब होता है ये संसार का जो बात है, बेटा बेटी नाती पोती दुनियादारी की जो बात है, इसको सुनना कि ये भक्ति की क्या हानिकारक, ये क्या अमंगल है। तो प्रभुपाद उत्तर देते हैं, बोले निश्चय ये जो कथा है, ये निश्चय निश्चित रूप में जीवन में ये अमंगल को देने वाले। बोले कैसे, बोले महाप्रभु बोलिया छे, जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जब उनने सब कुछ छोड़ करके संसार को छोड़ करके, उनको तो संसार से, क्योंकि दो भाई उनके एक बेटा था रघुनाथ है, घर में कितने ऐश्वर्य, बोले इंद्र के बराबर जिनके घर में ऐश्वर्य, पत्नी कैसे, बोले अप्सरा जैसे पत्नी
हैं, अफसर जैसे पत्नी, उनको भी छोड़ करके उन्होंने जब बार बार आना चाहते थे, उनको पिताजी पकड़ पकड़ कर ले जाते थे, पकड़ पकड़ कर ले जाते थे। उनको पत्नी ने कहा, क्या कर रहे हो, बारंबार पकड़ पकड़े रहते हो, भाग जाता है, हाथ पैर में लोहे के जंजरी बांध कर घर में बांध कर रख दो। तो उनको पिता कहते हैं, पागली, चैतन्य रज बातुल तारे के राखी ते बारे, अगर महाप्रभु का प्रेम में अगर कोई एक बड़ा पागल बन गया ना जगत में, ऐसे कौन सा वस्तु उसको जो बांध कर रख सकता है। जगत में सबसे जो बड़ा दो बंधन है, एक है स्त्री और एक है पैसा। अब देखना, तब तक इधर उधर घूमता रहता है, कब तक, जब तक शादी नहीं हो जाए। शादी हो गया ना, बोले बीहे सब कोई कहे, हैं गोस्वामी जी कहते बीहे सब कोई कहे, सब तो कहते शादी, और घोड़े को ऊपर बैठ करके बैंड पार्टी बजा करके दुल्हा बने कर जाता है, हैं, कहते मेरे मन में यह है। बोले क्या, बोले चढ़ खटोलो ढो ढो करके चहल पर ले जाए, वो आनंद नहीं, अब इसको तो जेल में बंद करने ले जा रहे, हाथ पैर बांध करके अभी जेल में आज से बंद हो जाएगा। अब देना, शादी से पहले कहीं भी जाओ, कोई बोलने वाले ठोकने वाले कुछ है नहीं, लेकिन शादी हो जाए तो पत्नी के पूछे बगैर घर से प्यार रख सकता है। अगर कहीं चला गया ना, कहाँ गया था, बिना बोले कहाँ घूम करके आए हो, किसी ने हजार जवाब देना पड़ता है। अगर थोड़ा लेट हो गया ना, बोले क्या चक्कर है, क्या कर रहा था, इतना लेट तुमने क्यों की, हजार कई पद देना पड़ता है, एक प्यार भी घर से उठा नहीं सकते, ऐसे बंधन में बंध जाता है, एक प्यार भी यहाँ से तुम हील नहीं सकते हो, ऐसे बंधन है। इसलिए कहते जगत में सबसे बड़ा बंधन जो बंधन है, एक स्त्री और एक है पैसा। लेकिन घर में इंद्र के बराबर घर में ऐश्वर्य है। पत्नी कैसे, बोले अप्सरी जैसे सुंदरी, इतने सुंदरी पत्नी, जब ये चीज नहीं रख पाए, साक्षात बंधन और ये जड़ बंधन, ये लोहे की जंजीर, उनको क्या बांधेगा है। जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी सब छोड़ करके आ गए, जब लास्ट में सब छोड़ महाप्रभु क्या करे, बोले भगवान की बड़ी कृपा है, नरक से तुमको निकाल दिया। महाप्रभु कहे तुमको नरक से निकल कर तू आ गया, महाप्रभु ये शब्द प्रयोग करते हैं। लेकिन जब उनने आए तो उनने स्वरूप दामोदर को दे दिया, बोले इनसे सब कुछ शिक्षा प्राप्त करना। तो उन्होंने एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी उन्हें डायरेक्ट महाप्रभु से प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु आपके श्रीमुख से मैं डायरेक्ट कुछ कथा मैं सुनना चाहता हूँ आपका श्रीमुख से। तो महाप्रभु ने एकदम दो चार लाइन में शास्त्र का जितने सार है केवल तीन चार लाइन में उन्होंने बता दिया, बस अगर इतना जीवन में अपना लो कल्याण हो जाएगा। उन्होंने क्या बताए, बोले ग्राम्य कथा ना सुनी वे, ग्राम्य वार्ता ना कही वे, भाल ना खाई वे आर भाल ना पड़ी वे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा माने से करी। बस इतना अपना लोप हो गया भाई, ज्यादा करने का कोई जरूरत नहीं है। बोले क्या है, बोले ग्राम्य कथा ना सुनी वे, ग्राम्य वार्ता ना कही वे। कहते जो संसार का जो दुनियादारी की जो बात है, बोलना भी नहीं और ये बात को सुनना भी नहीं। ग्राम में कथा ना बोली भी, ग्राम में कथा ना सुनी है। अब बोलना तो क्या बोलना, कृष्ण कथा ही बोलना, कृष्ण नाम ही करना, कृष्ण कथा ही बोलना। इसलिए कहते भाल ना खाई भी और भाल ना पड़ी, बोले बढ़िया बढ़िया खाना भी नहीं और बढ़िया बढ़िया पहनना भी नहीं है। इसलिए जहरा हरिभजन श्रद्धा विशिष्ट और रुचि संपन्न तहादेर जनई ये कथा गुली बोला है अच्छे। बोले ये बात किसके लिए बोला, जे बढ़िया बढ़िया खाना नहीं, बढ़िया बढ़िया पहनना नहीं, ग्रामीण बात बोला नहीं, बोले किसके लिए, बोले ये सभी के लिए नहीं है, ये बात उन्हीं के लिए सचमुच से जो जीवन में भगवान की भक्ति करना चाहते, जो सचमुच से जो भक्ति करना भजन करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति में जिनकी रुचि विशिष्ट है, कहते उन्हीं के लिए ये बात है, जो भगवान की कथा छोड़ करके कोई बात नहीं बोलना। लेकिन साधारण लोग क्या करते, क्या पूछो, सारा दुनिया बगबग बगबग इधर इधर की, सारा दुनिया की बात बोलते रहते हैं, केवल भगवान की कथा सिवाय सारे बात उनको पास में, सारे बात भगवान की कथा के बगैर सारे बात वहाँ पर सुनने को मिलेगा।
इसलिए यहाँ पर कहते बालक हवा ते निजर बेसी क्षति है, कि जब हम बढ़िया खाते हैं उसमें हानि किसका, बोले अपना हानि है। ज़्यादा बहुत तेज तेज चीज खाओगे मेरे शरीर में क्या होगा, उत्तेजना होगा, मेरे संसार की वासना जागेगा, दुनियादारी की वासना जागेगा, कहते अपना क्षति है। लेकिन है निजगत बेसी क्षति है, अपरे ताहते विशेष किचु असुविधा अर्थात हरिवजने बाधा सृष्टि करा जाए ना। बढ़िया खाने से वो अपना है, बढ़िया बढ़िया खाओगे, एकदम हाई फाई चीज खाओगे तो क्या होगा, जिसको तरह उस दूसरों को कोई अपकार नहीं होता है, लेकिन अपकार अपना ही अपकार होता है, दूसरा के नहीं। किंतु भालो पराठा बेसी खराब, बढ़िया खाने पर अपना खराब लेकिन दूसरा का नहीं। लेकिन बढ़िया जो पहनते है ना, आप देखना कोई जो बढ़िया पहनते हो अपने लिए कोई बढ़िया नहीं पहनते, किसके लिए, दूसरों के लिए। अगर बढ़िया पहन करके रास्ता में चले कि बढ़िया साड़ी सूट को लोग कैसे देख हैं, बार बार देखे कौन देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कोई देख रहा है कि नहीं। वो जो अक्सर करके जो बढ़िया पहनते ना, वो केवल दूसरे के लिए अपने के लिए नहीं है, वो दूसरे के लिए, दूसरों का आकर्षण को अपना तरफ में खींचने के लिए दूसरे पहन देख कर क्या बोलेगा है, भाग क्या बढ़िया साड़ी पहने हो, ए क्या बढ़िया कपड़े पहने हो, गजब की है, कमाल की है। उसको तरह क्या होगा, अपना तो गया, रास्ता में चलते समय देखते रहेंगे कौन मेरे तरफ में देख रहा है कि नहीं, आज नया कपड़ा पहन करके साड़ी पहन करके जा रहे, कोई देख नहीं रहा है, उसमें क्या होगा, अपना तो गया मन, फिर दूसरा का जो जो दूसरे व्यक्ति देख करके उसका भी सर्वनाश और अपना भी सर्वनाश, कहते उसमें दोनों का ही उसमें सर्वनाश दोनों का। इसलिए अपर जन्य के न अपर चक्षु इंद्रिय वो मन की हरि भजन हित छुट्टी कराई करा कराना ही भालो परार उद्देश्य, कहते बढ़िया पहनने का जो उद्देश्य है, दूसरा का जो आंख और जो इंद्रिया हैं उनको आंख इंद्रिया को, वो जो भगवान की भजन करता है, भगवान की भक्ति करता है, उससे उनको छुट्टी दिलाने के लिए हैं, उसको छुट्टी दिलाने के लिए। इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं, बढ़िया खाना नहीं और बढ़िया पहनना नहीं है, इतना ही पहनो जितना शरीर ढकने के लिए जितने जरूरत, उतना ही पहनने का जरूरत है, हैं जरूरत है। इसलिए जिहार लालसा भालो नए ताहते भक्ति हानि है, कद कद जिहार लालस जबा इत उठ जाए शिष्णो दर परायण कृष्ण नहीं पाए, बोले जिवा की लालसा में आज वहाँ पर भंडारा हो रहा है, हाँ वहाँ पर जाएंगे ना, बढ़िया बढ़िया शाही पनीर मटर पनीर और वहाँ पर बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला और वहाँ पर लेडीगे चमचम रसमलाई मिलेगा है, इसलिए उसमें क्या होगा, इसलिए कहते जीवन लालसा है, कहते जो इथी उत्ती धाए मतलब इधर उधर जो भागता रहता है, बोले श्रीष्णो दर पर आए, उसको खाने से क्या होता है, जरा इंद्रियों में ज्यादा भोग की वासना वृद्धि जगता है, वृत्ति जब जागता है प्या होता है, शिष्णो दर परायण कृष्ण नहीं पाए, फिर तो उनको भगवान नहीं मिलते, बस केवल भंडारा भंडारा में घूमते रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, वहां जाने से बढ़िया खाना मिलेगा, बढ़िया प्रणाम मिलेगा, इसलिए भागते रहेंगे। अब भागते भागते क्या करते हैं, वृंदावन में कुछ साधु लोग संन्यास ले लेते हैं, बोले क्यों, बोले संन्यास को ज्यादा प्रणाम मिलता है ना, इसलिए किसी प्रणाम लोग से संन्यास ले लेते हैं और भंडारा भंडारा घूमेंगे, दिन में चार पांच पता लगा कहाँ कहाँ पर भंडारा हो रहा है, हैं कुछ कुछ साधु वो बीच में खड़े हो जाते हैं, साधु मतलब वैसे कोई संप्रदाय के वैसे वैसे दाढ़ी देखेंगे, भैया इधर जा रहे हैं जरूर इधर भंडारा है, बस पीछे लग जाते हैं और क्या करते हैं, जो प्रणाम में दो चार पैसा मिलता है ना, उसको क्या करते हैं, उसको जमा करते रहते हैं, उसको ब्याज में जमा करते 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 अक्सर करके लोग वृंदावन में बैंक में पैसा करते जमा करते 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 लाख में मर जाते हैं, वो सारे पैसा बैंक में लगा लेते, एक एक पैसा को जोड़ 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 करके बस रख लेते हैं, लास्ट में खा ले दूसरा खा लेते। वो कोई गुरु वैष्णव सेवा में भगवत सेवा में ये नहीं लगता है, है? नहीं लगती है। इसलिए जिहार कृष्ण ग्रामे वार्ता सुलीले पहालो खावार चे निजर अंगल बेसी है,
आर समय पर तो बोलिले भालो पर अर्थ के ओ अपर बेसी असुविधा करा है। हाँ देखो ये क्या बोलते हैं, कहते ग्राम्य वार्ता सुन ले भालो खावार चेओ निजर अमंगल बेसी है। जब हम भगवान की कथा छोड़ करके जब हम दुनियादारी की बात सुनते हैं भालो खावार चेओ निजर अमंगल बेसी है। दूसरी बात सुनने से क्या होगा, अच्छे खाने से भी ज्यादा अमंगल होता है, बढ़िया खाने से भी ज्यादा अमंगल क्या होता है, जब हम भगवान की कथा छोड़ करके दूसरे चर्चाओं को जब हम सुनते हैं है? इसलिए जैसे सुनेंगे दिमाग तो वही से सोचेगा ना, अगर दुनियादारी की अगर बात सुनेंगे जो बात सुनेंगे मन उधर ही जाएगा हा? उधर ही जाएगा। इसलिए ग्राम्य वार्ता सुन ले भालो, और ग्राम्य वार्ता बोली ले सुन ले तो ये होता है, लेकिन ग्राम्य वार्ता बोलने से भालो परार थेको अपरे रे बेसी असुविधा करा है। कहते जब हम ग्राम्य वार्ता भगवत कथा छोड़ करके दुनियादारी संसार की बात बोलते हैं, कहते भालो जो पहनते हैं है? भालो जो पहनते हैं उसमें क्या होगा, उससे भी जो दूसरा का ज्यादा अमंगल होता है। जब हम दुनियादारी बात करते हैं क्या होगा, जब दुनिया बात बोलेंगे तब बोलेंगे तो अपना भी अमंगल है, जो सुनने का भी जो सुनता है उसका भी अमंगल है, इसलिए दोनों का ही अमंगल है। इसलिए असत वार्ता कहते ग्राम्य कथा वेश्या सदृश, तब यहाँ पर उदाहरण किया दिया, जो ग्राम में जो वार्ता है जो दुनियादारी संसार की जो बात है वो कैसे, कहते वेश्या जैसे हैं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी क्या बोले, असत वार्ता वेश्या विसीर जमति सर्वस्वहारिणी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या उदाहरण देते हैं, बोले असत वार्ता भगवान की कथा छोड़ करके जो दूसरा वार्ता उसको उदाहरण वेश्या है, वेश्या को साथ में उदाहरण दिया। कहते वेश्या किसको कहते हैं, कहते जो अपना पति छोड़ करके जब दूसरे पुरुष को पास में जाते हैं उसको तो वेश्या कहते हैं, उसको वेश्या कहते हैं ना, जो अपना पति की सेवा छोड़ करके दूसरे पति को पास में जाती है इसलिए वेश्या कहते हैं। इसलिए कहते इसलिए भागवत में बताया जीवा असति दातुरीग एव सुत न च उपगायति उरुगय गाथा। इसलिए भागवत में सुतो गोस्वामी कहते हैं जिन जिह्वा से भगवान की कथा नहीं बोली जाती है बोले जिह्वा असति, वो जिह्वा क्या हो गया, वो असति वेश्या हो गई। बोले क्यों, कहते जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, जीव का जो स्वरूप है वो भगवान का ही नित्यदास है। जब नित्यदास है तो जीव का क्या कर्तव्य, भगवान की सेवा, भगवान की कथा, भगवान की सेवा करनी चाहिए जीव का ही। जब ये जीव भगवान की चर्चा छोड़ करके जब दूसरे की चर्चा करते हैं जीवा क्या हो गया, वेश्या हो गया। अपना पति को छोड़कर तुम्हें वो पिता चो माता तुम्हें वो विद्या चो बंधुश्च तुम्हें वो विद्या द्रविण तुम्हें वो सर्वम, भगवान ही सब कुछ है हमारी, उसको छोड़कर जब दूसरा वार्ता करते वेश्या हो गई। इसलिए क्या होता, बोले मति सर्वस्वहारिणी, जब हम संसार की बात करें क्या होगा, जैसे वेश्या क्या करती है, कब तक संबंध रखती है, जब तक तुम्हारे सारे पैसा को लूट नहीं लेती है, पैसा लूट कर जाओ हैं, पैसा खत्म और सब यात्रा खत्म हो गया, जब पैसा लूट लिया सब खत्म कर दिया, पैसा लूट कर इसलिए तो करती है। इसलिए ये क्या करते जो असत वार्ता क्या करते, पति सर्वस्व हारिणी है, ये पति जो बुद्धि का ये सर्वनाश कर देता है। कहा ये मति को द्वारा हमें भगवत चिंतन भगवत स्मरण करनी चाहिए, और ये मति क्या करता है कृष्ण कथा छोड़ के दूसरे कथा सुनने पर बोलने पर ये मति का सर्वस्व विहरण करके उसको सर्वनाश कर देती है। तद्वारा जीवन चित्त कलुषित है, कहते भगवत कथा छोड़ के दूसरे कथा बोलने से होता है क्या। अब देखो जैसे हम यहाँ पर भगवान की कथा सुनेंगे, अब देख 10-15 मिनट 20 मिनट कथा इस कथा सुनेंगे ना, अब देख लेना मन को कितने शांति मिलता है, मन को कितने शांति मिलती है। आप बैठ करके दुनियादारी बात करो, उल्टा पुल्टा बात करो, शांति मिलेगा, सारे दुख ही दुख है,
है, उसने ये किया, उसको गर्मी हो गया, उसको गर्मी हो गया, बहू के साथ लड़ाई हो गई, वो बात नहीं सुनता है, बच्चे बात नहीं सुनते, इधर सारा दुनिया बात करो तो देखना उसको बाद में बुद्धि खराब हो जाती है। लेकिन जब भगवत चर्चा कर लेते हैं ना, अब देखना 10-20 मिनट कहीं कथा भगवान की कथा बोलो नहीं तो सुन लो, एकदम दिमाग फ्रेश हो जाता है, आनंद आनंद लगता है, हैं? इसलिए यहाँ कहते हैं तद्वारा जीवन चित्त कलुषित है, भगवत कथा बोलने से क्या होता, ग्राम्य कथा बोलने से चित्त कलुषित हो जाता है और जो मन है ना एक विक्षिप्त हो जाता है और हरि भजन खूब बाधा है। भजन का सबसे बड़ा बाधा है जो भगवत कथा छोड़कर दूसरी कथाओं को बोलना। इसलिए बाह्य कथाएं ज्यादा रुचि वैसी तादर हरि कथा स्वाभाविक रुचि अभाव जानित हरि ने। यहाँ पर कहते हैं बाह्य कथाएं ज्यादा रुचि वैसी है, बाह्य कथा बुझ तो भगवान की कथा छोड़ करके दूसरी कथा में जिनका रुचि, भगवान की कथा में जिनका रुचि है नहीं, उल्टा पुल्टा कथा में जिनकी रुचि, तादर हरि कथा स्वाभाविक रुचि अभाव जानित हरि, तादर भगवान की कथा रुचि आ गई। अब देखना कुछ कुछ ऐसे लोग है मंदिर में आने पर भी बैठ करके ना हरि कथा हो रही है, हरि चर्चा हुआ नहीं बैठेंगे, वहाँ नहीं बैठ कर जहाँ पर उल्टा सीधा बात हो रहा है ना, देखे ना गोष्ठी गोष्ठी बना करके वहीं पर बैठ करके इधर उधर ही बात करते रहेंगे। लेकिन भगवान की कथा भगवान की, अरे वहाँ बैठो ना जहाँ पर सुनने पर दो बात कान में तो भगवान की बात सुनने को मिलेगा, है भगवान की कथा तो सुनने को मिलेगा, देखना वहाँ पर रुचि नहीं होगा, रुचि नहीं हो करके जहाँ पर उल्टा पुल्टा निंदा चुगली, और जो चुगली वो इतने बढ़िया चीज है ना, इससे तो बढ़िया स्वाद जगत में कुछ है। अब देखना चुगली इतना स्वाद, देखना घंटा घंटा उसमें बीत जाएगी, है और बैठे अगर वहाँ पर उसी कोने में बैठ करके चुगली हो रहा है, यहाँ से पता चल जाए कुछ हो रहा है, कोई विशेष बात हो रहा है। अब देखना जो लोग एक तरफ में हरी कथा हो रही है, एक तरफ में चुगली हो रही है, आप बीच में आप किधर जाओगे? अब देखना जहाँ कथा हो रही नहीं जाओगे, जहाँ चुगली हो रही देखने से पता चला कुछ हो रही, अब धीरे धीरे जाओ। हाँ हम भी सुना है, हाँ मैं भी जानता हूँ, देखना उस चीज में रुचि होता है लेकिन हरी कथा में रुचि नहीं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, हाँ इसलिए जिनको बाह्य कथा में गंदी चीज में रुचि, उसको स्वाभाविक रूप में हरी कथा में रुचि नहीं होता है, है? इसलिए पांचटा लोग एक संग समवेत है ले बाह्य कथा है भाई। जब पांच लोग एक जगह पर बैठ जाएंगे ना, हैं? अगर भक्त लोग अगर बैठे हुए होंगे जहाँ पर बैठ करके हरि चर्चा हरि कथा हरि नाम की चर्चा करेंगे, साधारण लोग पांच लोग बैठ जाए ना, पांच लोग बैठ के पांच अलग अलग बात करेंगे, हैं? अक्सर करके जब किस पार्क में अब जब कभी जाते हैं ना जरा घूमने के लिए हरिना, देखते जितने सारे बड़े बूढ़े बूढ़े ताश खेलते होंगे, नहीं तो सारे राजनीति का बात है, जितने उल्टा पुल्टा बात करते हुए देखेगा, अब बिना मतलब का बात सब करते हुए देखेगी। इसलिए कहते यही जन्य भक्तगण सतत हरि कथा कीर्तन करें, हरि कथा है लेके ग्राम्य कथा व बाह्य कथा आलोचना से योग पाए ना। इसलिए इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, बैठ करके आपस आपस में हरि चर्चा करते हैं, हरि कीर्तन करते हैं। हरि कीर्तन करने से क्या होगा, हैं? ये उल्टा पुल्टा बात सुनने का बोलने का सुजोग नहीं मिलता है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, बैठ करके भगवान की कथा कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन अगर ये नहीं होता तो कोई ना उधर उधर तो कोई बात कुछ बोलते तो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये जो हर समय हरि कथा रूपी मठ में हरि कथा रूपी अग्नि हर समय प्रज्वलित होनी चाहिए, हर समय मंदिर में क्या होनी चाहिए, हरि कीर्तन छोड़कर और कोई बात नहीं होनी चाहिए, केवल हरि का चर्चा हरि का नाम कीर्तन हो। जार हरि भजन करते चार तहरा ग्राम कथा सुनी वे ना बोली वे ना, है? इसलिए जो वास्तव रूप में जो हरि भजन करना चाहते हैं, कहते भगवान की कथा सुनकर कोई बात बोलना नहीं, कोई बात सुनना नहीं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कहते ग्राम्य कथा ना बोली वे, ग्राम्य कथा ना सुनी वे, है जद्दी मिली वे आने, है भक्त मन ठाकुर कहते हैं, कहते हैं आन कथा ना बोली वे, आन कथा ना सुनी वे, जद्दी मिली वे आने। अगर किसी दूसरे से मिलते हो तो दूसरी बात बोलना नहीं और दूसरी बात सुनना नहीं, जहाँ पर होता हुआ होगा बस वहाँ से चले जाओ, वहाँ से चले जाओ। इसलिए जिस समय
जब नारद जी वृंदावन में आए, सब जगह में घूमते घूमते कहीं शांति नहीं मिली, बोले वृंदावन धाम में चलते हैं। जब वहाँ पर आए ना, देखा वहाँ पर भक्ति देवी बैठी हुई, सखियाँ सेवा कर रही थी, ज्ञान वैराग्य लेटे हुए अचेत होकर के। और भक्त नारद सोचे चाहते हैं भैया वृंदावन धाम हरिचर्चा होता होगा, जो इतने लोग जो वहाँ पर जब गए देखा वहाँ तो रोना धोना, भैया संतों का रोना धोना से क्या मतलब, भागे वहाँ से वहाँ से भागे कि जहाँ हरि कथा नहीं हरि कीर्तन नहीं वहाँ संतों का क्या काम है, इसलिए वहाँ से वो भागे। तब भक्ति देवी फिर उनको भो भो साधु क्षणम तिष्ट मत चिंता विनाश, बोले साधु बाबा थोड़ी सी रुक जाओ, साधु बाबा थोड़ी सी रुक जाओ, मेरी चिंता को दूर करो, है मेरी चिंता को दूर करो। दृष्टि दिवे ना कारण बालक खावार परारे इच्छा बा ताहते रुचि हरिभजन हित अवश्य दूर्भ सराइया दे। कारण बालक खावार परारे इच्छा, बालक खाने का पहनने का इच्छा बा ताहते रुचि हरिभजन हित अवश्य दूर सराइया दे। कहते ये सब बढ़िया खाना सुनना क्या करता है, जीव को भगवान के भजन से ज्यादा उनको दूर हटा देता है, उनको दूर भगा देता है। इसलिए भालो भालो खावा परार इच्छा था कि ले कखन ही हरिभजन है ना, अगर बढ़िया बढ़िया खाएंगे बढ़िया बढ़िया पहनेंगे अगर ये इच्छा हो तो कहते क्या होता है भगवान के भजन में, कहते हरिभजन में उसको रुचि नहीं होगा। आवार ग्राम्य कथा सुना बा बोला रे इच्छा ताहते रुचि हरिभजन है ते तफात करिया जीव के विपद गामी करीबे एवं तहरा तहार भजन इतने छुट्टी हया जाइवे। कहते जो लोग हैं भगवान की कथा छोड़ करके ग्राम में कथा दुनियादारी की जो बात है, अगर जिसको जितना रुचि हो धीरे 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 क्या करेगा, धीरे धीरे हरि भजन से हमको धीरे धीरे अलग पता नहीं चलेगा, पहले तो पता नहीं चलता है, हैं हरि भजन की बात छोड़ करके धीरे धीरे इधर उधर बात करते 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 धीरे 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 बस एक दिन मति खराब, बुद्धि भ्रष्ट और भ्रष्ट होकर के और एक दिन भगवान की भजन से संपूर्ण रूप में जीव को च्युत कर देता है, जीव को हरि भजन से च्युत कर देता है, हैं तपात करिया दिवे। ए जने भजन छु व्यक्ति मात्र ही ये सब विषय है ते सावधान था का विशेष प्रयोजन अथवा अमंगल अनिवार्य। इसलिए कहते हैं प्रभुपाद, कहते जो सचमुच से जो भजन करने के लिए आए हैं भक्ति करने हृदय से, हैं ऊपर से नहीं हृदय से सचमुच से जो भजन करने के लिए आए हैं, कहते ये सब विषय है ते सावधानता का विशेष प्रयोजन, कहते ये सब चीज से उनको सावधान रहना पड़ेगा ही, हैं सावधान रहना पड़ेगा, न तो वह अमंगल अनिवार्य, नहीं तो जीवन में तुम्हारी कभी मंगल हो ही नहीं सकता है, जीवन में जरूर तुम्हारी अमंगल होगा। इसलिए अगर कोई जीवन में अपना मंगल चाहता है कहते मत कथा मत कथा चिंता बधयते परस्पर कथयन्ति च माम नित्यं तुष्यन्ति च ब्रह्मचर्य। इसलिए हर समय भगवत चर्चा हरि नाम हरि कीर्तन में हर समय उसमें डूबे रहे और उसी में ही आनंद है और उसमें ही रस है और उसमें ही तुष्यन्ति च रमन्ति च, वही ही उनका जीवन का सर्वस्व बन जाता है और उसी में ही रमण करते रहते भक्त लोग, उसी में ही रमण करते रहते। इसलिए प्रभुपाद जीव कल्याण के लिए ये सब उपदेश को प्रभुपाद दे रहे हैं, इसलिए आज कथा को यहीं पर रखे। आज प्रभु जी को घर में जा रहे हैं, घर में जा रहे हैं, कल फिर सुनेंगे, ठीक है। वंचा गलभ्य कृपा सिद्धिंग भावने भो वैष्णव भो नम नम बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे।
जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर ब्रह्मानंद की जय।